हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, अब अपन अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस चालू करते हैं। इस चैप्टर को देखने से पहले अल्फाबेट टेस्ट मैंने अपलोड करा है, उसका मैंने एक टेस्ट भी अपलोड करा है। मतलब अल्फाबेट का एक तो मैंने दो वीडियो अपलोड करे हैं, एक तो जिसमें मैंने आपको समझाया है, और एक टेस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आया था, उसके सॉल्यूशंस अपलोड करे हैं। अल्फाबेट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका टेस्ट तुरंत लेके इनको आपको क्लियर कराया है। ठीक है, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी वो ये वाली भी मत देखो, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस बिना उसके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ये वाली जो चीज़ मैंने अल्फाबेट वाली बताई थी आपको लास्ट वीडियो में, बहुत बेसिक है लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे नंबर दे रखा है। जो लोग नए हैं, जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, वो मेरे को मैसेज कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस भी वही है। इसमें क्या होता है, इसमें दो तीन नए कॉन्सेप्ट आते हैं। कुछ भी आपको है ना रैंडम, कुछ भी रैंडम आपको सीक्वेंस दे रखी होगी, कुछ भी रैंडम आपको रैंडम कुछ भी दे रखी होगी, या आपको सीरीज दे रखी है। चलो इससे पहले अपन बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं। देखो मेरी बात, टोटल अपने एक बार मैं ए बी सी डी लिख दूँ, टोटल अपने लेटर कितने होते हैं, टोटल अपने होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो मेरी बात, इनको तो अपन बोलेंगे इनमें से ए ए ई आई ओ और यू, ये बचपन में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ये जो अपने अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, इनमें से वोवल्स वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो कितने वोवल्स हुए, अपने 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो वोवल्स कितने हुए, पांच वोवल्स हुए। तो बाकी जो बचे ना, उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। जो भी बचे ए से लेके जेड तक जो भी बचे माइनस दिस, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं 21। समझ गए, जो अल्फाबेट्स में अपन ने मार्क कर रखे ए ई आई ओ यू, इनको अपन बोलते हैं वोवल्स, और बाकी जितने लेटर बचे उनको अपन बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और जो ये चीजें होती है, ये फालतू फालतू चीजें, इनको अपन बोलते हैं सिंबल्स। पहले अपन टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। वोवल्स आते हैं, कॉन्सोनेंट समझ में आ गया, सिंबल समझ में आ गया। ठीक है, नंबर्स अपन को पता ही है, जो 1 2 3 होते हैं इनको अपन क्या बोलेंगे, नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, अब सुनो, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है फॉलोड बाय और प्रिसीडेंट बाय। देखो मैं बताऊँ इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोई भी रैंडम सीरीज दे रखी होगी और उसमें बोलेगा हाउ मैनी नंबर आर देयर, ऐसे कौन से नंबर है जो कि, नंबर्स कितने हैं जो कि फॉलोड बाय नंबर, जो कि फॉलोड बाय नंबर एंड प्रीसीडेड बाय नंबर, फॉलोड बाय नंबर एंड प्रीसीडेड बाय नंबर। अभी समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पेशेंट से समझा रहा हूँ ये टॉपिक। ठीक है, ऐसे कितने नंबर है जो कि नंबर से फॉलोड होते हैं और नंबर से ही प्रिसीड करते हैं। प्रिसीड का मतलब पीछे, प्रिसीड का मतलब क्या होता है, पीछे, प्रिसीड मीनिंग बैक। ठीक है, और फॉलोड मीनिंग फ्रंट। देखो एफ एफ फ्रंट फ्रंट, फॉलोड पी पीछे पीछे, बैक बैक। ठीक है, अब देखो इस सीरीज में ऐसे कितने नंबर है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर है, क्या इसके आगे भी नंबर है, क्या लिखा है, फॉलोड बाय नंबर एंड प्रिसीडेड बाय नंबर। इसके आगे तो नंबर है पर इसके पीछे नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो इस पे चलो, इसके ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, इसके आगे भी नंबर है, इसके पीछे भी नंबर है, तो एक तो ये पेयर बन गया इसका। उसके बाद आगे चलो, इसके भी आगे नंबर है, इसके भी पीछे नंबर है, तो ये बन गया। इसके इसके भी आगे नंबर है, इसके भी पीछे नंबर है, इसके भी आगे नंबर है, ये बन गया। ये इसके आगे नंबर नहीं है, इसके पीछे नंबर नहीं है। ठीक
ठीक है, ये नहीं बना, ये खुद नंबर ही नहीं है, ये खुद नंबर ही नहीं है, ये खुद नंबर ही नहीं है, तो कितने पेयर बने? थ्री पेयर बने। बस अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, एल्फा न्यूमेरिक कुछ नहीं है, अल्फाबेट टेस्ट अपन कर चुके हैं, सॉरी अल्फाबेट टेस्ट अपन कर चुके हैं, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कुछ नहीं है, प्रिसीडेड और फॉलोड का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन कुछ भी बनाओ यार, तुम क्वेश्चन कुछ भी बनाओ, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब समझ में आ जाएगा। एक और मैं तुम्हारे सामने बनाता हूँ, जिससे कि सामने बनती है ना कोई चीज़ तो अच्छा लगता है। ठीक है, ए बी सी 1 2 3 एट द रेट हैश एट द रेट, कुछ भी बना दिया। अब मैं पूछता हूँ हाउ मैनी सिम्बल्स आर देयर, हाउ मैनी सिम्बल्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय सिंबल, विच आर फॉलोड बाय सिंबल एंड प्रीसीडेड बाय सिंबल, प्रीसीडेड बाय सिंबल, मतलब ऐसे कितने सिंबल है जिसके आगे सिंबल है, और चलो पीछे नंबर कर लेते हैं, प्रीसीडेड बाय नंबर कर लेते हैं, और पीछे क्या है? नंबर है, मतलब अपन को ऐसी सीरीज डिकोड करनी है, ऐसे पेयर निकालने। देखो बीच में क्या है? सिंबल, तो सिंबल नहीं है, 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 ये सिंबल है। इसके आगे क्या है? इसके आगे क्या होना चाहिए? सिंबल। इसके आगे क्या है? सिंबल। इसके पीछे क्या है? नंबर होना चाहिए। इसके पीछे क्या है? नंबर। तो कितने पेयर हो गए? आंसर हो गया 1 पेयर। जो क्वेश्चन बोले वैसा करते जाओ, और एक चीज ध्यान रखो, लॉजिकल थ्योरी नहीं है कि तुम मेरी वीडियो देखेगा समझ में आ जाएगा। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उनको कॉपी में लिख के एक और बार अटेम्प्ट करोगे ना कंबाइन करके, तब लॉजिकल आएगी, क्योंकि लॉजिकल जब करते हैं ना तो मन में बहुत डाउट्स होते हैं। अब इनमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, व्हाट विल बी द एलिमेंट, एलिमेंट बोले तो कुछ भी हो सकता है, व्हाट विल बी द एलिमेंट हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड टू राइट। फालतू फालतू, अपन ने ये पूरे पिछले वीडियो में डिस्कस करे है, थर्ड टू राइट कौन सा है, राइट कौन सा होता है, ये 1 2 3 यहां तक पहुंचा, अब क्या बोल रहा है इसका लेफ्ट टू। अब देखो ये बहुत लोगों को पिछली बार कंफ्यूजन था, जब अपन इस पर आ गए तो अपन इसको इंक्लूड थोड़ी करेंगे, इसके आगे 1 2 करेंगे, अपन को क्या करना है? 2 टू द लेफ्ट, इसके आगे 2 1 2, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 4। यही है अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक में कुछ नहीं है, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स पता होना चाहिए, प्रिसीडेंट और फॉलोड बाय का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा ये वाला कुछ भी नहीं है, प्रिसीडेंट मतलब पीछे, फॉलोड बाय मतलब आगे, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखो मेरी बात, इसमें क्या क्वेश्चन होगा? इसमें ये क्वेश्चन होगा, ये किसका पेयर है? हाउ मैनी अल्फाबेट्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय नंबर एंड विच आर प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट, अल्फाबेट बोलो तो कॉन्सोनेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये ए आई ओ नहीं है। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। इनके अलावा सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनके अलावा सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, अब अपन इसकी मॉड्यूल भी देख लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लेंगे, उसके बाद इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मेरी बात, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में अपन को कोई रैंडम सीरीज दे रखी है, अब ये क्या बोल रहा है? विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो ये अल्फाबेट टेस्ट में मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं लास्ट में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में, ठीक है? देखो सबसे पहले जाएगी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा है? उल्टा वाला हाथ। देखो 1 2 3 4 5 अपन यहां पहुंच गए, अब ये क्या बोल रहा है? थर्ड टू द राइट, इसका राइट कौन सा है? अपना ये वाला। अब 1 1 2 3 आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 8। ठीक है, आंसर क्या हो गया? 8। चेक कर लेते हैं, मैं भी गलती कर सकता हूँ, पिछली बार भी बहुत गलती हुई है। ठीक है, तो 8 आंसर हो गया, ठीक है, सही है। अब देखो पहला क्वेश्चन तो अल्फाबेट टेस्ट का हो गया, दूसरा क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस का है। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। इमीडिएटली बोले तो एकदम जस्ट पीछे, ऐसा नहीं कि तुम 15 20 पीछे देख रहे हो, जस्ट पीछे और जस्ट फॉलोड। तो देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी नंबर आर देयर, ये क्या है? हाउ मैनी नंबर आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड, प्रिसीडेड मतलब पीछे, बाय अ सिंबल
ऐसे कितने नंबर है जिनके पीछे सिंबल है और जिनके आगे कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या होता है, सारे अल्फाबेट होते हैं माइनस ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ऐसे नंबर ढूंढने, देखो ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर है, इसके आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है। देखो इसके आगे कॉन्सोनेंट है और इसके पीछे क्या है, सिंबल है, तो अपना ये वैलिड हो गया, एक पेयर बन गया। आगे चलो नंबर ढूंढो, बीच वाला अपन को ढूंढना है सबसे पहले, क्योंकि बीच वाला होगा तभी तो आगे के बनाएंगे। बीच वाला ढूंढो, नंबर नंबर नंबर, ये नंबर है, इसके आगे कॉन्सोनेंट है और इसके पीछे सिंबल है, तो ये वाला पेयर भी हो गया, ये वाला पेयर भी हो गया। अब नंबर ढूंढो, ये नंबर है, इसके आगे तो नंबर है और इसके पीछे कॉन्सोनेंट है, तो ये तो पेयर बनानी। फिर ये नंबर है, इसके आगे कॉन्सोनेंट है पर इसके पीछे नंबर है, हमें इसके पीछे क्या चाहिए, सिंबल चाहिए, तो ये भी नहीं बना। फिर नंबर ढूंढो, नंबर ढूंढो, नंबर, इसके पीछे तो कॉन्सोनेंट है पर इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो कितने पेयर बने, दो पेयर बने। देखो समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो एक बार और वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। और अल्फाबेट टेस्ट जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इतना टाइम किसी टॉपिक में नहीं लगाता पर वो इंपॉर्टेंट था इसलिए लगाया। तो आंसर क्या हो गया, टू पेयर आर देयर। अब देखो ये वही अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन आ गया, मतलब यार क्या है करना है, सब कुछ अपन ने कर रखा है, अपन को सब आता है, ठीक है। विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ फ्रॉम द राइट, ऐसे लेमैन में करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, जो ट्रिक बताई उससे करोगे सब समझ में आएगा। पहले अपन फिफ्थ फ्रॉम द राइट निकाले, राइट कौन सा आता है जिसमें अपन ने पेन पकड़ा है, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा फिफ्थ। अब ये क्या बोल रहा है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, लेफ्ट कौन सा होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, तो फोर्थ, चलो ये हो गया 1 2 3 4, वाई, आंसर क्या हो गया, वाई। देखो एक बार एम पर आ गए ना, फिर एम को इंक्लूड नहीं करेंगे, एम को किसी भी क्वेश्चन अगर तुमने इंक्लूड करा होगा उसका आंसर गलत है, पक्की बात है। एक बार एम पर आ गए उसके बाद हमें 1 2 3 चलना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, वाई, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं आंसर क्या है, वाई, ठीक है। तो अपना ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला करते हैं, इसमें क्या लिखा है, हाउ मैनी सच वॉवल्स आर देयर विच आर इमिडिएटली फॉलोड, फॉलोड बोले तो आगे, फॉलोड बाय अ नंबर बट, फॉलोड बाय अ नंबर बट नॉट, एक मिनट, ये तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, मैं एक बार इसको चेक करता हूँ, ये क्या क्वेश्चन। हाँ तो देखो वो मैंने क्वेश्चन चेक करा है, इसको इग्नोर मारो, इसको इग्नोर मारो, इसको इग्नोर मारो, ठीक है। विच, देखो क्या लिखा है इसमें, इसमें क्या है, हाउ मैनी सच वॉवल्स आर देयर विच आर इमिडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, मतलब कितने वॉवल्स है जिनके आगे नंबर आता है, आगे नंबर आता है पर पीछे, इसमें क्या करो, फॉलोड बाय अ नंबर बट नॉट प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट कर दो, प्रीसीडेड मतलब इसके अंदर पीछे कुछ भी आ सकता है पर कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए। अभी तक अपन सारे आने वाले कर रहे थे, अब नहीं आ रहे वाले भी अपन ने एक देख लिया जिससे कंफ्यूजन ना हो, मतलब वॉवल तो बीच में हो गया, आगे तो नंबर आएगा पर पीछे कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए, पीछे कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए, बाकी पीछे वोवल आ सकता है, आ सकता है, अल्फाबेट कॉन्सोनेंट तो आ ही नहीं सकता, वोवल आ सकता है, नंबर आ सकता है, आ सकता है, सिंबल आ सकता है, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है पर कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए, बट नॉट प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, पहले बीच का है, वोवल मार्क कर लो, वोवल कितने हैं, ई है वोवल, ये नहीं है, ये है, ये है वोवल, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ मिस हो जाए तो माफी देना, ठीक है। इसके बाद नंबर आ सकता है, आ रहा है नंबर पर पीछे कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए, तो इसको अपन नहीं मानेंगे। इसके बाद नंबर आना ही चाहिए, कंपलसरी है, नंबर नहीं आ रहा तो इसको अपन नहीं मानेंगे। इसके आगे नंबर आना चाहिए, नहीं आ रहा, इसके आगे नंबर आ रहा है और पीछे कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा, सिंबल आ रहा है, तो मतलब एक पेयर बन गया, समझ में आ गया। ये अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था इसलिए मैंने एक बार चेक कर लिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, वन पेयर, और यू वाला पेयर बन गया, यू एट द रेट 3, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। अब आगे चलो, इसमें क्या है, नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, ये तुम अपने आप करो, वीडियो पॉज करो, नंबर
दैट इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट. ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. बीच में क्या है? नंबर. बीच में है नंबर. नंबर है, नंबर है, नंबर है, नंबर है, ये रहा नंबर. इसके आगे सिंबल आना चाहिए, नहीं आ रहा. ये रहा नंबर, इसके आगे सिंबल आना चाहिए, नहीं आ रहा. फिर नंबर, इसके आगे सिंबल आना चाहिए, नहीं आ रहा. इसके आगे भी सिंबल नहीं आ रहा. दोबारा देखो, नंबर है नंबर, विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड. ओहो, अब देखो ये मैंने खुद ने गलती कर दी. क्या लिखा है? इमीडिएटली प्रिसीडेड. नंबर के पीछे सिंबल आना चाहिए और फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट. फॉलोड किससे होना चाहिए? आगे कॉन्सोनेंट और पीछे सिंबल. सॉरी, हो जाती है गलती. ठीक है, अब देखो नंबर के आगे कॉन्सोनेंट आ रहा है और पीछे सिंबल आ रहा है. ठीक है, सेटिस्फाई कर गया. नंबर के आगे कॉन्सोनेंट आ रहा है एंड पीछे सिंबल आ रहा है, सेटिस्फाई कर गया. नंबर के आगे कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा, नंबर के आगे कॉन्सोनेंट आ रहा है, पीछे सिंबल नहीं आ रहा. नंबर के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो पेयर कितने हो गए? पेयर हो गए अपने दो पेयर. आंसर क्या हो गया? एट द रेट वाई जी और ये. तो ऐसे करके अपन को ये प्रिसिडेंट वाले क्वेश्चन करने हैं. प्रिसिडेंट के, सॉरी, हाँ मतलब प्रिसाइडेड वाले, प्रिसाइडेड वाले. ठीक है, टॉट वाला प्रिसिडेंट ध्यान रह गया. प्रीसीडेड वाले और फॉलोड वाले क्वेश्चन अपन को ऐसे करने हैं. ठीक है, तो ये अपना इतना पार्ट हो गया. इसमें कोई भी दिक्कत हो पिंग कर देना, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना मेरे को, कोई घबराने वाली बात नहीं है. ठीक है, देखो अल्फा न्यूमेरिक पजल की फालतू की थ्योरी लिख रखी है, अपन को नहीं पढ़नी. ठीक है, अपन को नहीं पढ़नी. अब अपन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसमें गिवन है, जिससे कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए. शीट्स बहुत जल्द प्रोवाइड होगी, पर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपने मेरी पुरानी वाली शीट सॉल्व कर रखी होगी. ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं. देखो क्या बोल रहा है. हाउ मैनी, एक बार मैं पेंसिल ले लूँ, बुक गंदी हो जाएगी अपनी. एक मिनट रुको. हाँ देखो, सुनो 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 सुनो. हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड. प्रीसीडेड बोले तो पीछे कॉन्सोनेंट आना चाहिए और आगे नंबर आना चाहिए. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब देखो मेरी बात, कॉन्सोनेंट के आगे नंबर, कॉन्सोनेंट ये है इसके आगे नंबर नहीं आ रहा. ये कॉन्सोनेंट है, ये तो अपना जीरो है, इसके आगे भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा. कॉन्सोनेंट के आगे नंबर आना चाहिए. ये तो वोवल हो गया, कॉन्सोनेंट नहीं है, ये भी नहीं है. ये कॉन्सोनेंट के आगे नंबर है, कॉन्सोनेंट के आगे नंबर है और कॉन्सोनेंट के पीछे कॉन्सोनेंट है. तो एक पेयर तो ये हो गया. कॉन्सोनेंट के आगे नंबर होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के आगे नंबर, कॉन्सोनेंट के आगे नंबर होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के आगे नंबर, कॉन्सोनेंट के आगे नंबर. ढूंढो 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 ढूंढो. कॉन्सोनेंट के आगे नंबर, कॉन्सोनेंट के आगे नंबर दिख रहा है. एक और है यार, ये तो सब अपन को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता. देखो दोबारा देखो, ये रहा एक और बच गया. कॉन्सोनेंट के आगे नंबर है, कॉन्सोनेंट के पीछे नंबर है. ठीक है, मैं आपका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ क्वेश्चन, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखो. सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेकेंड क्वेश्चन में ये लिखा है, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर विच आर प्रिसीडेड बाय अ लेटर, जिनके पीछे लेटर है. अब लेटर के अंदर क्या होता है? लेटर अपने कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों होते हैं. लेटर ये नहीं देखता, तो ये कॉन्सेप्ट ऐड कर लो. लेटर इज इक्वल्स टू कॉन्सोनेंट प्लस वोवल. कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है. वो प्रिसीड तो कर रहा है लेटर से, पर फॉलोड सिंबल से नहीं करना चाहिए, सिंबल से नहीं करना चाहिए. अल्फाबेट से कर सकता है, कर सकता है. नंबर वेट नंबर से कर सकता है, कर सकता है. कॉन्सोनेंट से कर सकता है, कर सकता है. वोवल से कर सकता है, कर सकता है. ठीक है, अब ऐसे अपन को ढूंढने जो वोवल्स के, वोवल्स देखो, वोवल्स क्यों? ठीक है, ये अपना ओ है, ये अपना ओ है, AEIOU. इसके आगे सिंबल नहीं आना चाहिए, पीछे लेटर आना चाहिए. एक पेयर तो ये बन गया. अब देखो और, ए ये रहा वोवल, पर इसके आगे तो अपना नंबर आ रहा है. ठीक है, पर नंबर आ रहा है तो आगे वाला सही है, पर पीछे अपन को लेटर चाहिए, तो पीछे लेटर नहीं आ रहा. पीछे फोर आ रहा है, तो ये नहीं होगा. AEIOU ये रहा, इसके आगे सिंबल तो आना ही नहीं चाहिए, तो ये नहीं होगा. इसके आगे सिंबल तो आने नहीं चाहिए आई के आगे, तो ये भी नहीं होगा. ऐसे करके आइडेंटिफाई कर लो, तो इसका आंसर ROT करके वन हो गया. इसका आंसर ROT करके वन हो गया. अब ये वाला भी देख लेते हैं. फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 12th राइट लेफ्ट, लेफ्ट 12th, 12th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया. ठीक है, फोर्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट. 1 2 3 4, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी.
ठीक है, समझ में आ गया ना? ये अपन ने सब डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो अगर खुद अटेम्प्ट करोगे ना बहुत मजा आएगा, मतलब इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और किसी में डाउट हो तो बताना, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखो, थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पॉजिटिव इन द ग्रुप अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। अब देखो मेरी बात, ये बोल रहा है कि ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसमें तीन तीन, ये सब ऊपर वाले क्वेश्चन ऊपर वाले सीरीज से चल रहे हैं, उसमें से तीन ऑप्शन सेम तरीके के, सेम बोले तो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। देखो सबसे पहले दे रखा है 406, 406 देखो, 406 कहाँ पर है? 4444, एक मिनट रुको, ये देखो, ये आइडेंटिफाई करा अपन ने 406, मतलब कोई ना कोई प्लस माइनस का पैटर्न चल रहा है। बीच वाला ढूंढ लो और उसके आगे पीछे का देखो कोई पैटर्न है या नहीं है। तो देखो अपन ने क्या देखा, फिर ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना। ओ के बाद भी माइनस टू पे सिक्स आता है और इस पे फोर आता है, तो मतलब ये सारे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं दो दो का, पर ये वाला दो का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें यहाँ पर एक का ही पैटर्न फॉलो हुआ, तो इसलिए ये हो गया। ये मैंने आपको बता दिया, फिफ्थ टू द राइट ऑफ टेंथ एलिमेंट, पहले फिफ्थ टू द राइट निकालो फिर टेंथ फ्रॉम लेफ्ट राइट हैंड निकालो, तो ऐसा करके इसको अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, अब देखो यार ये क्वेश्चन तो मैं इसको बार बार करूंगा तो अपना टाइम वेस्ट होगा, ये वाला क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड। देखो अब इसमें आगे का कुछ नहीं बोल रहा, हाउ मेनी नंबर्स सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, बस ये पेयर ढूंढ लो, पहले सिंबल और फिर नंबर का पेयर ढूंढ लो, अपना काम हो जाएगा। आगे कुछ भी नहीं दे रखा तो मतलब आगे का अपन को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये दो मिल जाए काफी है। ठीक है, तो ये सारा सीक्वेंस सीक्वेंस ऑब्जर्व करने का अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना प्रिसाइडेड फॉलोड वाला, वो अपन ने कर लिया, उसके बाद अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में। तो ठीक है, डू सब्सक्राइब और सारी नोट्स वोट्स आएंगे, सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।